लॉकडाउन के बाद गैर प्रांतों में फंसे हुए यात्रियों को वापस अपने जनपदों तक पहुंचाने के निर्देश के बाद यात्रियों को अपने अपने जिलों में बसों के माध्यम से पहुंचाने का सिलसिला जरूर चालू कर दिया गया, लेकिन इसके एवज में बस कंडक्टरों द्वारा मनमाफिक किराया वसूलने का सिलसिला भी जारी है। ताजा मामला यूपी के फतेहपुर जिले में देखने को मिला, जहां गैर प्रांतों से वापस आए हजारों यात्रियों से रोडवेज बस में मनमाफिक किराया वसूल किया गया। मनमाफिक किराया का विरोध करने पर यात्रियों को बस से उतार दिए जाने की धमकी भी दी गई। वहीं यात्रियों का कहना है कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, हम लोगों से मनमाफिक किराया लिया गया और हम लोगों द्वारा विरोध करने पर बस से उतार दिए जाने की धमकी भी दी गई। मजबूरन हम लोगों को मनमाफिक किराया देकर वापस यहां आना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, एक बस में 200 यात्रियों को बैठाकर लाया गया है। फतेहपुर से संवाददाता पब्लू सिंह की रिपोर्ट। कहां से आ रही हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से कहां जा रही हैं? कमाईला। आपने बस का किराया दिया कि नहीं? दिया। कितना किराया लगा? 730 रुपये। और बच्चों का? क्या हुआ? कह रहे थे कि आप हमारे पास पैसे नहीं थे तो कह रहे थे कि बच्चे उतार देंगे, तो हम इधर उधर से काफी लोगों के पास लिए किराए, और जब हम आए बस में हमारे पास एक भी पैसे नहीं थे, हमने यहाँ वहाँ से तो कर दिया है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हो आप? नोएडा से आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? बस से आए हैं। कितना किराया लगा आपका? 732 रुपये लिया है एक आदमी का। और भी आपके बच्चों के साथ जो है? बच्चों के साथ सबके साथ हाफ लिया गया, एक बच्चों के साथ, ये बच्ची थी, पैसे नहीं थे हमारे पास, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मदद से उसका हाफ कटवाया गया है टिकट। अच्छा, वो मान ही नहीं रहे थे, कह रहे उतार देंगे। अरे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? अब हम यहाँ से जा रहे हैं सर बांदा, हमारा डिस्ट्रिक्ट बांदा है लेकिन ग्राम मोहता, ग्राम पोस्ट मोहता हमारा गाँव। नाम क्या है आपका? राजेश नाम है मेरा। आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ तक जा रहे हैं? हम दिल्ली से आ रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? बांदा जाना है। बस से आप आ रहे हैं? बस से आए। बस में कैसे सवारी, किस तरह बैठा के लाए? बस में थे एक सीट में तीन चार चार सवारी थी। हाँ। और बच्चों की परेशानियाँ थी। हाँ। उनको बैठने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या लोग खड़े होके भी आए हैं? कैसे खड़े होके आए हैं? किराया लिया गया? किराया पूरा लगा है बच्चों का भी, ना हमारा लगा, पूरा किराया लगा है। लगभग कितने एक में कितने लोग रहे होंगे? एक बस में कितने लोग रहे होंगे? एक बस में सर करीबन 200 आदमी करीबन रहा होगा। क्या नाम है आपका? राम बाबू।